नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको वो पांच बातें बताने जा रहे हैं जिनका पालन करके आप किसी भी एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको हाउ टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। नंबर वन, कंसेप्ट क्लियरिटी, यानी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने देखा कि कंपटीशन के दौर में जब बच्चा आता है तो वो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता है और कहता है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे होगा, वह होने वाले स्टूडेंट्स से नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेज, थोड़ा बहुत बेस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो पहला रूल, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा रूल आपका प्रॉब्लम टेक्निक, आपको जब आप किसी कंपटीशन को दे रहे हैं, किसी टेस्ट में बैठ रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ प्रॉब्लम किस प्रकार की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, यानी क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब का पूछा जा रहा है। आप गलती क्या करते हैं, आप भूगोल पढ़ने लगे हैं तो उसको बहुत डीप जाके पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता, वो नॉर्मल पूछ रहा है, आपने समय कंज्यूम कर दिया। तीसरी बात जो आपको ज़रूरी है वो है आपका डेली प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, जिस जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए। अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली नहीं लगा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को मिस कर जाएंगे, आप अपनी तैयारी को मिस कर जाएंगे, क्या क्या कमियां हैं आप उनको नहीं जान पाएंगे। तो तीसरा रूल, आप डेली प्रैक्टिस करिए। चौथा रूल है स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग मतलब आप अपने आप में स्किल बिल्ड करिए, आपने डेली प्रैक्टिस की, आपने प्रॉब्लम टेक्निक को जाना। स्किल बिल्डिंग में आप चेक कर सकते हैं कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप बार बार किन गलतियों को दोहरा रहे हैं। आप मैथ करने बैठे हैं, आप कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, क्या है, ये आप स्किल बिल्डिंग के थ्रू आप सीख सकते हैं, चौथे रूल के थ्रू आप जान सकते हैं। और ये होगा आपको पेपर एनालिसिस करके, डेली प्रैक्टिस को एनालिसिस करिए आप, और जब आप डेली प्रैक्टिस को एनालिसिस करेंगे तो आप अपनी कमियों को ज़रूर जान पाएंगे। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम है एग्ज़ाम प्लानिंग। एग्ज़ाम में आपको किस सब्जेक्ट्स को कितना समय देना है, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट्स को किस सब्जेक्ट्स के बाद सॉल्व करना है, ये आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। होता क्या है, कई स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट में उलझ जाते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है, और पता चले कि दूसरे सब्जेक्ट्स को, दूसरे पार्ट को आप देख भी नहीं पाते हैं और इजी पार्ट्स को आप छोड़ देते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ाम प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक बार में, दो बार में पेपर को करें या किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग आपको एग्ज़ाम की होनी चाहिए। तो ये हैं वो पांच रूल जिनके द्वारा आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत कम समय में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपनाइए, धन्यवाद।